Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. कोरोना वायरस 15,000 के करीब कैनेडियन शहरी भारत में फंस गए। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 21 दिन के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया है। कैनेडियन हुकूमत और ओपोजिशन $82 बिलियन के इमदादी पैकेज पर मामला तय पा जाने के करीब पहुंच गए। कोरोना वायरस के सबब मुतासर होने वाले शहरियों की मदद की जा सकेगी। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा। सूबे में कोरोना वायरस के 85 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासर अफराद की तादाद 600 से तजावुज कर गई। मॉन्ट्रियल में एक बेघर शख्स में कोरोना वायरस की तशखीस। तकरीबन 3,000 के करीब बेघर अफराद मॉन्ट्रियल की गलियों में रहते हैं। कनाडा में मौलिक कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2,800 से तजावुज कर गई है, जबकि अब तक मुल्क भर में 26 अफराद हलाक हो चुके हैं। आलमी वबा के कंट्रोल के लिए सऊदी हुकूमत का बड़ा ऐलान। G20 ममालिक का इजलास बुलाने का ऐलान कर दिया। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क मौलिक और नए कोरोना वायरस का मरकज बन गया है। अब तक शहर में 210 अफराद हलाक हो चुके हैं। निहायत मौलिक और नए वायरस कोरोना वायरस से मुतासर ममालिक और इलाकों की तादाद 197 हो गई है, जबकि अब तक 19,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। अफगानिस्तान में सिखों के गुरुद्वारे पर खुदकुश हमला। हमले के वक्त गुरुद्वारे में तकरीबन 150 अफराद मौजूद थे। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करते हैं इस ब्रेक के बाद। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि हुकूमत वायरस के सबब अवामी मफादात के प्रोग्राम में तोसी करने जा रही है। डेली ब्रीफिंग से खिताब करते हुए ट्रूडो का कहना था कि गुज़िश्ता हफ्ते 10 लाख के करीब एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस की दरख्वास्तें मौसूल हुई। उनका कहना था कि आलमी वबा के सबब कैनेडियन इस्तराब का शिकार हैं। कैनेडियन वजीर आजम का कहना था कि माली मुश्किलात में गिरे शहरियों को हफ्तों में अदायगी की जा सकेगी। नए प्रोग्राम के तहत दरखास्तों का अमल अप्रैल से शुरू होगा। प्रोग्राम 4 माह तक जारी रहेगा। उनका कहना था कि नए प्रोग्राम के दौरान इमरजेंसी सपोर्ट बेनिफिट मुअत्तल कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस प्रोग्राम के तहत दरखास्त गुजार को माहाना $2,000 की अदायगी की जा सकेगी। कुछ बात करेंगे वफाकी हुकूमत की जानिब से। कहा गया है कि कैनेडियन वजीर खारजा अपने भारतीय हम मनसब के साथ मुसलसल रबते में है, ताकि वहां फंसे शहरियों को कैनेडा वापस लाया जा सके। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। 15,000 के करीब कैनेडियन शहरी भारत में फंसे हुए हैं, जिनमें से एक लिबरल MP की वालदा भी शामिल है। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 21 दिन के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया है, जबकि भारत की फजाई हदूद भी बंद कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वहां फंसे कैनेडियन शहरी शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है। वफाकी हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि कैनेडियन वजीर खारजा अपने भारतीय हम मनसब के साथ मुसलसल रबते में है, ताकि वहां फंसे शहरियों को कैनेडा वापस लाया जा सके। 15,000 के करीब वो शहरी हैं जो सामने आए हैं, जबकि ये तादाद कई हजार में हो सकती है जो कनाडा वापस आना चाहते हैं। कुछ बात करेंगे कैनेडियन हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के सबब की जाने वाली नई कानून साजी से मुलाजमीन और कारोबारी इदारों को एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस और दीगर प्रोग्राम्स की मद में माली इमदाद दी जा सकेगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कई घंटों तवील मुजाकरात के बाद कैनेडियन हुकूमत और ओपोजिशन $82 बिलियन के इमदादी पैकेज पर मामला तय पा जाने के करीब पहुंच गए, ताकि कोरोना वायरस के सबब मुश्किलात का शिकार होने वाले शहरियों की मदद की जा सके। नई कानून साजी से मुलाजमीन और कारोबारी इदारों को एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस और दीगर प्रोग्राम्स की मद में माली इमदाद दी जा सकेगी। दोनों फरकीन ने इस बिल पर इत्तेफाक किया था, तहम अखराजात के इख्तियार में तौसी की लिबरल्स की तजवीज़ की कंजर्वेटिव पार्टी ने मुखालफत की। अपनी एक ईमेल में कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा एंड्रयू शेयर ने अपने क्रॉकर्स के नुमाइंदों को बताया कि डील आखिरी मराहल में दाखिल हो गई है। शेयर का कहना था कि वो पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर इक्तदार पर कब्जे की दफात की भरपूर मुखालफत करेंगे।
कुछ बात करेंगे प्रीमियर डॉग फोर्ट की जानिब से हाइड्रो रेट्स में कमी का ऐलान किया गया है। नए रेट्स का इतलाक आइंदा 45 रोज तक रहेगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। आखिरी इतलात के मुताबिक सूबे में कोरोना वायरस के 85 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सूबे में मुतासर अफराद की तादाद 600 से तजावज कर गई है, जबकि हलाक अफराद की तादाद 8 तक पहुंच गई है। TTC के एक सबवे ऑपरेटर में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। मुतासर शख्स 16 मार्च से अपने घर पर है, जबकि उसकी हालत में बेहतरी आ रही है। ऑन्टेरियो प्रोवेंशियल पुलिस के एक अहलकार में भी कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बत आया है, जो अब घर में सेल्फ आइसोलेशन में है। प्रीमियर डॉग फोर्ड की जानिब से हाइड्रो रेट्स में कमी का ऐलान किया गया है। उनका कहना था कि इस वबा के फैलने के सबब बहुत से लोगों को घरों से काम करना पड़ रहा है, इसलिए हाइड्रो रेट्स में आरजी तौर पर कमी की जा रही है। नए रेट्स का इतलाक आइंदा 45 रोज तक रहेगा। मॉन्ट्रियल से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, मॉन्ट्रियल में एक बेघर शख्स में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। माहिरीन की जानिब से कहा गया है कि ये शदीद तशवीशनाक है कि एक शख्स जिसका कोरोना वायरस का टेस्ट हुआ था, उसे शहर की गलियों में घूमने फिरने के लिए छोड़ दिया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल में एक बेघर शख्स में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। बेघर अफराद के लिए काम करने वाले इदारे ओल्ड ब्रेवरी मिशन के हुकाम की जानिब से बताया गया है कि मुतासरा शख्स का उनके अमले के साथ राबता कम था, जबकि ना ही वो उनकी इमारत में दाखिल हुआ था। हुकाम की जानिब से कहा गया है कि कोरोना वायरस के फैलाव की सूरत हाल में हम बेघर अफराद के लिए बहुत फिक्रमंद हैं। उन्होंने बताया कि किसी को इस शख्स के बारे में नहीं पता था, ताहम पुलिस की जानिब से इस शख्स की तलाश के दौरान वो मर्दों की सफ में मिला। ये शदीद तशवीशनाक है कि एक शख्स जिसका कोरोना वायरस का टेस्ट हुआ था, उसे शहर की गलियों में घूमने फिरने के लिए छोड़ दिया गया, जबकि कोरोना वायरस के मुश्तबा अफराद को आइसोलेशन में रखा जाना चाहिए। शहर की कमजोर आबादी में कोरोना वायरस का केस आना बाईस से तशवीश है। तकरीबन 3000 के करीब बेघर अफराद मॉन्ट्रियल की गलियों में रहते हैं। कनाडा से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, कनाडा भर में सबसे ज्यादा केसेस ब्रिटिश कोलंबिया में सामने आए हैं, जहां मुतासरीन की तादाद 617 है, जबकि 13 अफराद इस वायरस से हलाक हो चुके हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्वेबेक में कोरोना वायरस के केसेस में एक ही दिन में 3 गुना इजाफा हुआ है, जहां मुतासरीन की तादाद 628 तक जा पहुंची है। सूबे के प्रीमियर का कहना है कि बाहर के मौसम में सूबे में बाहर से आने वालों की तादाद बढ़ जाती है, जो वायरस के फैलाव की एक अहम वजह है। उनका कहना था कि बाहर से आने वाले केसेस की तादाद ज्यादा है, ताहम मुकामी सतह पर ही वायरस का फैलाव देखने में आ रहा है। कैनेडा में मोहलिक कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2800 से तजावज कर गई है, जबकि अब तक मुल्क भर में 26 अफराद हलाक हो चुके हैं। सहतियाब होने वालों की तादाद 112 है। मुल्क भर में सबसे ज्यादा केसेस ब्रिटिश कोलंबिया में सामने आए हैं, जहां मुतासरीन की तादाद 617 है, जबकि 13 अफराद इस वायरस से हलाक हो चुके हैं। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने यूनिवर्सिटियों और तिब्बी शोबे से वाबस्ता माहिरीन से अपील की है कि कोरोना वायरस की आफत से निपटने के लिए हुकूमत की मदद करें। कुछ बात करेंगे। सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया है कि G20 ममालिक का इजलास बुलाया जा रहा है, जिसकी सदारत खादिम हरबैन शरीफ शाह सलमान करेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की आलमी वबा को कंट्रोल करने के सिलसिले में सऊदी हुकूमत ने G20 ममालिक का इजलास बुलाने का ऐलान कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया है कि G20 ममालिक का इजलास बुलाया जा रहा है, जिसकी सदारत खादिम हरबैन शरीफ शाह सलमान करेंगे। सऊदी हुकूमत का कहना था कि यह फैसला कोरोना से पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नजर किया गया है। हम वायरस की रोकथाम के लिए कोशिशों को कदर की निगाह से देखते हैं। सऊदी अरब दीगर अरकान से मिलकर बहरान के हल के लिए कोशिशें करेगा। सऊदी हुकूमत का यह भी कहना था कि G20 अरकान कोरोना के खिलाफ जंग में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। G20 अरकान को आलमी वबा को कंट्रोल करने के लिए इकदाम करना होंगे। ख्याल रहे कि अक्वामे मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल एंथनी गुतरेस ने भी कहा था कि कोरोना वायरस ने दुनिया के बड़े मौशी फोरम को गैर मामूली मौका फराहम किया है कि वो इस मर्ज से लोगों को लाहक बड़े खतरात को रोकने के लिए इकदाम करे। उन्होंने G20 ममालिक को एक खत में आलमी वबा के सिलसिले में हंगामी इजलास बुलाने के फैसले पर खैर मकदम किया, जिसने पूरी दुनिया में सेहत तालीम और मशियतों को शदीद मुतासर कर दिया है। उन्होंने लिखा कि इंसानी बहरान के वक्त में जंग के वक्त की जाने वाली मनसूबाबंदी की जरूरत होती है। इससे दुनिया भर के लोगों, बिलखसूस सबसे ज्यादा कमजोर लोगों के साथ यकजहती का इजहार होगा। अमेरिका में कोरोना वायरस की हलाकत खेजी बढ़ती जा रही है। न्यूयॉर्क में कोरोना से 210 अफराद हलाक, जबकि 25,000 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में।
अमरीकी शहर न्यूयॉर्क मोहलिक और नए कोरोना वायरस का मरकज बन गया है। अब तक शहर में 210 अफराद हलाक हो चुके हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीका में कोरोना वायरस की हलाकत खेजी बढ़ती जा रही है। न्यूयॉर्क में कोरोना से 210 अफराद हलाक जबकि 25,000 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। दूसरी तरफ अमरीका में एक रोज में 160 अफराद हलाक हुए। आलमी इदारा सेहत ने वार्निंग जारी की है कि अमरीका कोरोना वायरस का नया मरकज बन सकता है। अमरीका में मजमू अमवात की तादाद 782 तक पहुँच गई है जबकि 55,000 से जायद अफराद वायरस से मुतासर हो चुके हैं। सेहतयाब अफराद की शरह कम है। अब तक सिर्फ 378 मरीज ही सेहतयाब हो सके हैं। न्यूयॉर्क में अमवात की तादाद बढ़ने के खदशे के पेश नज़र मैनहैटन के एक अस्पताल के बाहर आर्जी मुर्दाखाना तामीर कर दिया गया है। महकमे सेहत का कहना है कि दीगर अस्पतालों के बाहर भी टेंट्स पर मुश्तमिल आर्जी सर्दखाने तामीर किए जाएंगे। न्यूयॉर्क के मेयर का कहना था कि शहर में अमवात बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बढ़ी है। उधर ब्राजील के सदर ने मीडिया पर तनकीद करते हुए कहा है कि मीडिया कोरोना वायरस के सिलसिले में हिस्टेरिया फैला रहा है। न्यूज लैंड में इमरजेंसी नाफज कर दी गई है। ऑस्ट्रेलिया ने बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी आयद कर दी है। शारजा में एयर कंडीशन बस शेल्टर बंद कर दिए गए हैं। दुनिया भर में तेजी से फैलने के बाद कोविड-19 की हलाकत खेजी को ताहाल नहीं रोका जा सका है। अमवात की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है। अब तक वायरस से 4,30,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हो चुके हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नहायत मोहलिक और नए वायरस कोरोना से मुतासरा ममालिक और इलाकों की तादाद 197 हो गई है जबकि अब तक 19,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। तफसीलात के मुताबिक दुनिया भर में तेजी से फैलने के बाद कोविड-19 की हलाकत खेजी को ताहाल नहीं रोका जा सका है। अमवात की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है। अब तक वायरस से 4,30,000 से ज़ायद अफराद मुतासर हो चुके हैं जिनमें 19,000 के करीब लोग जान की बाजी हार गए जबकि 1,10,000 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। बिलखसूस यूरोपीय मुल्क इटली कोरोना वायरस ने तबाही मचा दी है। अब तक 6,820 अफराद हलाक हो चुके हैं जबकि 70,000 से ज्यादा अफराद वायरस से मुतासर हैं। अमेरिका में 44 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद मजमू केसेस की तादाद 55,000 हो गई है और 784 अफराद हलाक हुए। स्पेन में भी गुज़िश्ता दिनों कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ है। मरने वालों की तादाद 2,991 हो गई है। चीन में हलाकतों की तादाद 3,281 है। ईरान में वायरस से 1,934, फ्रांस में 1,100, बर्तानिया में 422, नैदरलैंड में 276, जर्मनी में 159, बेल्जियम में 122, जनूबी कोरिया में 120, इंडोनेशिया में 55, ब्राजील में 46, तुर्की में 44, जापान में 43, भारत में 12, सऊदी अरब में और अफगानिस्तान में एक एक शख्स हलाक हो चुका है। अफगानिस्तान में सिखों के गुरुद्वारे पर खुदकुश हमला किया गया। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज का कहना है कि 6 घंटे जारी रहने वाली लड़ाई के बाद हमले में मुलविस 4 खुदकुश हमलावरों को हलाक कर दिया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान में सिखों के गुरुद्वारे पर खुदकुश हमला किया गया है। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि 6 घंटे जारी रहने वाली लड़ाई के बाद हमले में मुलविस 4 खुदकुश हमलावरों को हलाक कर दिया गया है। अफगान दारुल हुकूमत काबुल के इलाके शोर बाजार में सिख बरादरी की इबादतगाह पर खुदकुश बमबारों ने सुबह के वक्त हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेज का कहना है कि सिख इबादतगाह पर क्लीनिंग ऑपरेशन जारी है और गुरुद्वारे में मौजूद अफराद को रेस्क्यू किया जा रहा है। हमले के वक्त गुरुद्वारे में तकरीबन 150 अफराद मौजूद थे। काबुल में कायम अमरीकी सिफारत खाने की जानिब से सिखों के गुरुद्वारे पर हमले की सख्त मजम्मत की गई है। एक बयान में कहा गया है कि तनाजात गोलियों के बजाय बातचीत से हल किए जाएंगे तो ही अमन आएगा। सिख इबादतगाह पर हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने काबुल में गुरुद्वारे पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत की है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान का जारी किए गए बयान में कहना है कि काबुल में इस तरह के हमलों का कोई सियासी मजहबी या अखलाकी जवाब नहीं। इसी के साथ ही टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी।